आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट पार्ट बाय D2H और आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20I, इफेक्टिवली पहला T20I सीरीज का, क्योंकि पहला वॉशआउट हुआ था और भारत के कन्विंसिंग 65 रनों की जीत के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही बात करेंगे जो पूरी क्रिकेट की दुनिया काफी टाइम से बात करती आ रही है, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो योग का एक बहुत पुराना एक पुरानी प्रथा है, लेकिन पिछले जो एक या डेढ़ साल में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने जो सूर्य का जलवा दिखाया, इसको तो नमस्कार करते बनता ही है। कमाल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं दिव्यान। पिछले साल डेढ़ साल से जिस तरह से उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैटिंग की है, खास करके T20 में, अमेजिंग। कई मरतबा ऐसे लगता है कि इंडियन टीम शायद 150 या 160 रन एटमोस्ट बना पाएगी, लेकिन वो सूर्या की इनिंग्स की वजह से वो स्कोर 190 और क्लोज टू 200 पहुंचता है। तो इस बैटिंग टीम का मुझे लगता है बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आज की तारीख में अगर आप आपके जो 6 बैट्समैन अगर आपको चुनना है, तो शायद पहला नाम आप सूर्य कुमार यादव का और इजीली पहला नाम उनका लिखोगे। और आज भी जिस तरह से उन्होंने खेला है, जस्ट एक तरह से ऐसा लगता है कि बॉलर्स और कैप्टन बिल्कुल क्लूलेस है कि कहाँ पर बॉल डालना है, क्योंकि सारे ग्राउंड में हम बात करते हैं 360 डिग्री हर जगह शॉट मारते हैं, बॉलर्स के लिए इतनी मुश्किलें पैदा करते हैं। और जस्ट मुझे लगता है अगेन एक तरह से एक मास्टर क्लास बैटिंग में T20 क्रिकेट में, वंडरफुल 100, और जिसकी बदौलत आज भारत इतने आसानी से मैच जीता। वसीम, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे ऊंचे स्तर पे खेल चुके हैं, आप कोचिंग कर चुके हैं, तो ये बताइए कि सूर्या की जो बल्लेबाजी है उसमें अगर आपको एक पॉइंट लेना हो, एक बिंदु लेना हो जो सबसे अलग हो, तो वो क्या होगा? आई थिंक जिस तरह से वो फील्ड से खेलते हैं, और एक तरह से मुझे लगता है कि उनको इतना खेलने के बाद अब आइडिया आ गया है कि बॉलर अगला बॉल क्या डालने वाला है, जो जिस तरह से, क्योंकि सूर्या जिस तरह से फाइन लेग और स्क्वायर लेग पे खेलते हैं, तो इनवेरिबली आपको वो फाइन लेग और स्क्वायर लेग पीछे रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मिड ऑफ का फील्डर हमेशा ऊपर रहता है उनके लिए। तो बॉलर्स के लिए वो आगे वाली लेंथ डालना ऑलमोस्ट ऐसे हो जाता है कि वो बॉल वो डाल ही नहीं सकते, और अगर आप बैक ऑफ लेंथ डाल रहे हो तो आपको वो गेंद बाहर डालना है, तो मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है सूर्या के लिए। और उसके बाद वो थर्ड मैन पे भी आपको बाउंड्री और सिक्सेस मार सकते हैं, सामने मार सकते हैं, पीछे मार सकते हैं, तो देन इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो वो वैरायटी ऑफ शॉट्स यू नो मेक्स इट हार्ड, कि थोड़ा भी अगर आप अपनी लाइन में चूक गए, लेंथ में चूक गए, तो यू नो के सूर्या के पास एक तो वो आर्टिस्ट्री भी है कि वो आपको थर्ड मैन पे भी मार सकते हैं और आपको सामने भी छक्का मार सकते हैं, वो जो बहुत सारे बैट्समैन नहीं कर सकते। चलिए, सूर्या की पारी के बदौलत भारत ने लगभग 200 के आसपास का स्कोर बना लिया था, उसके बाद जरूरत थी एक अच्छी गेंदबाजी प्रदर्शन की, और वसीम काफी चैलेंजिंग कंडीशंस में कहना होगा कि गेंदबाजों ने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से कबूल किया, और खासकर हम बात करेंगे जिस तरीके से युजवेंद्र चहल ने मिडल ओवर्स में गेंदबाजी की, शायद एक चीज जो भारत ने मिस की थी इस विश्व कप में इससे पहले। जी, बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी रही आज, जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग की, भूवी नए बॉल से, हम सब जानते हैं वो फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स का विकेट मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण था, कि वो दोनों प्लेयर थे जो अगर अच्छा खेलते तो शायद न्यूजीलैंड ये स्कोर के करीब पहुंचता या चेस करता है, लेकिन वो दोनों विकेट पहले ही ओवर में भूवी ने उनको आउट किया। और जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग की, और यजविंदर चहल तो हम जानते ही, यू नो हम सभी सरप्राइज थे कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, उनको चांस नहीं मिला पूरे वर्ल्ड कप में, बट अगेन वो पास की बात है, बट हम सबको पता है कि वो बीच में आके जब अच्छी लय में होते हैं तो आपको विकेट निकाल के देते हैं, और वो एक तरह से स्टैंडर्ड मॉडल आज अगेन उस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, बीच में आके इम्पोर्टेंट ग्लेन फिलिप्स का विकेट लिया, और सारे ही बॉलर्स थोड़ा सा अर्शदीप थोड़े ऑफ कलर लगे, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो आपके 5-6 बॉलर्स में से एक का ऑफ डे होता है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द बॉलर्स बोल्ड रियली वेल। थोड़ा मुझे लगता है कि बैटर्स को शायद और बेहतर करना होगा, यू नो ऋषभ पंत हो गया या इवन ईशान किशन, आई थिंक ही शोड ग्लिम्स ऑफ गुड टच, बट उसके अलावा आई फील क्योंकि हमारा ओवर डिपेंडेंस कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव पे नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से सेटअप किया है, क्योंकि यही हमारे रिव्यू का तीसरा पॉइंट है कि अगर बल्लेबाजी में देखें तो सूर्या ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, 111 रन अकेले बनाए हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाजों के बल्ले से केवल 69 रन के आसपास ही निकले, तो
ये एक चिंता का विषय बन सकता है। आपने पंत की बात की, पंत के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और साथ ही श्रेयस अय्यर की भी, क्योंकि पंत ऐसा लग रहा है कि अभी भी अपना फिलॉसफी खोज रहे हैं टी20 क्रिकेट में किस तरीके से खेलना है। ऐसा लगता है कि सिंगल लेना है या चौका मारना है हर गेंद पे, इसमें थोड़े से दोहरे मन में रह रहे हैं। और वहीं श्रेयस अय्यर फिर से स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी शुरुआत, लेकिन पेस जैसे ही आया, पेस के पहले ही गेंद पे काफी दुर्भाग्यशाली तरीके से आउट हुए, हालांकि हिट विकेट, लेकिन फिर से एक और नाकामी अभी पेस के विरुद्ध। आई थिंक ऋषभ पंत को हमको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ये पोजीशन ऐसी है कि इस पोजीशन पे उन्होंने खेला नहीं है खास करके T20 क्रिकेट में, तो बहुत जल्दी शायद हमको कंक्लूजन पे आना है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हम सबको पता है कि वो मैच विनर है। अगर वो जिस तरह अगर अपना यू नो रन बनाने का जो वो तरीका होता है वो फाइंड आउट कर लेंगे T20 क्रिकेट में, तो ही विल बिकम अ मैच विनर, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो पावर पजेस करते हैं, यू नो वो गेम पजेस करते हैं, जस्ट वो मेथड उनको यू नो समझने की देर है, तो आई थिंक थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, बट वंस ही फाइंड्स दैट, मुझे लगता है कि यू नो इट्स अ गुड मूव गोइंग फॉरवर्ड लुकिंग एट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, तो शायद थोड़ा टाइम देना होगा हमको, बट श्रेयस अय्यर आई थिंक यू नो ही विल आल्सो वर्ल्ड कप के पहले जो मैचेस खेले थे शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट शायद थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया था, यू नो अनफॉर्चुनेटली आज हिट आउट हिट विकेट हो गए, बट आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज पे उन्होंने काम किया है, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रेट आई फील कि वो बैट्समैन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि जब सूर्या नहीं खेलते वी एंड अप गेटिंग 160, उसके बाद हम यू नो 170-180 नहीं पहुंच पाते, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार सूर्य कुमार यादव उनको यू नो बेल आउट करेंगे, तो हमारे स्ट्राइक रेट्स बैटर्स के वो कहीं ना कहीं थोड़े इम्प्रूव होने चाहिए जो बाकी 5-6 बैट्समैन है, तो उस चीज में हमको थोड़ा और फियरलेस आई फील बैटिंग करने की जरूरत। चलिए, हर बार की तरह आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पार्ट बाय D2H, क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट जो लाए इंडिया के हर परिवार को एक साथ और पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट 650 से ज्यादा चैनल्स, एप्स HD क्लैरिटी के साथ।